अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राजघाट पर सफाई की और साथ ही लोगों से अयोध्या को साफ सुथरा रखने की अपील की। हापुड़ से दबंग दरोगा का पिज्जा रेस्टोरेंट में दबंगई दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रेस्टोरेंट संचालक का युवकों पर दरोगा ने थप्पड़ बरसाया। ऐसा बताया जा रहा है कि दरोगा ने गाली गलौज करते हुए रेस्टोरेंट संचालक को गोली मारने की धमकी दी। दरोगा केशव नगर चौकी पर तैनात बताया जा रहा है। सीसीटीवी के संज्ञान में आते ही हापुड़ एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। छोटी सी रथ को खींचकर अयोध्या के लिए रवाना संत, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बालों से खींच रहे रथ। एमपी से बालों से रथ खींचते हुए अयोध्या जा रहा संत, रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कही बड़ी बात, कार सेवकों पर गोली चलने के बाद ली थी प्रतिज्ञा। बदायूं के सांसद एमएलए ने पीएम आवास योजना की चाबी लाभार्थी को सौंपी। महिला लाभार्थी ने माइक पर ही रिश्वत लेने की कही बात। 30,000 रुपए रिश्वत लेकर पीएम आवास किया लाभार्थी के हवाले। महत्वाकांक्षी योजना को अधिकारी लगा रहे हैं पलीता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ढहा दिया है। बता दें कि कॉलोनाइजर ने अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण कर कॉलोनी बनाई थी। 43,000 वर्ग मीटर जमीन की कीमत करीब 87 करोड़ होने का आकलन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने दी जानकारी। ललितपुर में कंटेनर में आग लग गई। आग लगते ही कंटेनर धू धू कर जल उठा। अज्ञात कारण के चलते कंटेनर में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। कंटेनर सागर से झांसी की ओर जा रहा था। पूरा मामला ललितपुर के थाना नाराहट क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। गोंडा में गैस सिलेंडर से लदी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। हादसा गोंडा लखनऊ मेन रोड पर हुआ है। सिलेंडर लदी गाड़ी में तेज धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गाड़ी गर्म होने पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के 1.5 घंटे बाद पहुंची। पुलिस ने सड़क के दोनों ओर आवागमन बंद कर दिया। गोंडा लखनऊ रोड के बुड़वलिया गांव की बताई जा रही घटना। आगरा के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन के दौरान अयोध्या कैंट स्टेशन में पार्सल यातायात पर लगी रोक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया गया फैसला। व्यक्तिगत सामान को केवल यात्री कोच में ले जाने की अनुमति। अयोध्या कैंट से गुजरने व रुकने वाली ट्रेनों के लिए लिया गया फैसला। पार्सल लेन देन 31 जनवरी तक प्रतिबंध। पंजीकृत समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की बुकिंग को ही इजाजत। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को आगरा मंडल एग्जोस्ट ट्रेन के अलावा आस्था ट्रेन की करेगा शुरुआत। आगरा मंडल में जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उनके अलावा पूरे देश में आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो देश के सभी बड़े सेंटर्स से अयोध्या के लिए चलेंगी। ये ट्रेनें जनवरी के एंड से लेके मार्च तक चलाई जाएंगी। इनकी डिटेल्स IRCTC के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रेन में राउंड ट्रिप बेसिस पे रिजर्वेशन होगा, आना जाना एक साथ ही टिकट बुक होगा। इसमें केटरिंग और लिनन वगैरह की सुविधा सभी क्लासेस में मिलेगी, एसी और स्लीपर में, और इसमें यात्रा के 10 दिन पहले इसकी टिकट बुक की जा सकेगी। अयोध्या जाने वाली कोई भी ट्रेन का उस एरिया में रूट नहीं बदला है। इस एरिया में मथुरा धौलपुर एरिया में कुछ NI वर्क के कारण रूट चेंज है, बट उस डायरेक्शन में जाने वाली कोई ट्रेन अफेक्टेड नहीं है। सुरक्षा दलों से जानकारी है कि कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 22 तारीख के लिए कोई ट्रेन अयोध्या नहीं जाएगी, ऐसा कुछ है? आगरा मंडल की किसी भी ट्रेन अभी इस तरह से अफेक्टेड नहीं है। ऐसी कोई डाइवर्जन या कैंसिलेशन अभी हमारे मंडल से नहीं किया गया। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं लगाए गए हैं, लेकिन संभावित है कि 20 से 30 तारीख के बीच में अयोध्या के लिए पार्सल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में विकसित संकल्प भारत यात्रा का आयोजन। प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद पकौड़ीलाल कोलवा, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद, ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, ADM सुभाष चंद्र यादव आदि सभी विभाग के कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों को प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के दिशा निर्देशन में थाना नागला खंगर पुलिस टीम ने अभियुक्त संतोष और पप्पू की 9,92,06,236 रुपए की चलाचल संपत्ति को कुर्क किया। अभियुक्त संतोष और पप्पू ने वर्ष 1998 में प्रथम बार अपराध कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और लगातार अपराध करते हुए जुर्म करते हुए कुख्यात अपराधी बन गए। अभियुक्त पर दर्जनों मुकदमे दर्ज। अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करते समय उपस्थित SDM विवेक राजपूत, तहसीलदार नवीन कुमार, क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ठ, सिरसागंज थाना प्रभारी उदयवीर मलिक, सिरसागंज प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पाल सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, संतोष उर्फ पप्पू निवासी नगलाबाग थाना सिरसागंज, ये एक माफिया था और बहुत बड़ा अपराधी है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना अराव में, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष नगला खंगर द्वारा की जा रही थी। और गैंगस्टर मुकदमे में जो हमारे आई एविडेंसेस थे
उसे ये पता चला कि ये वर्ष 1998 से अपराध कर रहा है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसने इस गैंग बना करके अपराध किए हैं। दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर हैं और उसके बाद इसने इस गैंग के माध्यम से बहुत सारी अवैध संपत्तियां अर्जित की है। विवेचना के बाद गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की कार्रवाई की गई, जिसमें आज इस अभियुक्त के लगभग 10 करोड़ की यानी 9 करोड़ 92 लाख की संपत्ति इसकी आज कुर की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से आज तमाम जो इसके भट्ठे थे, इसने जो गैंगस्टर गैंग बना करके जो संपत्ति अर्जित की थी, उससे बहुत सारी संपत्तियां हैं जो थाना सिरसागंज और थाना अराव में अवस्थित हैं, उन सबको आज कुर किया गया है। कानपुर देहात में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक नशेबाज पिता ने पत्नी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसके बाद 4 महीने की बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। शराब पीने की वजह से। शराब पीने की वजह से? हाँ। पति से ना? हाँ। तो कब से शराब पी रहे हैं? शराब काफी दिन, मतलब पी तो काफी दिन से रहे हैं, लेकिन कल जितनी पी थी उतनी कभी नहीं पी, ना कोई बहस ऐसी हुई थी। तो आके बस मारपीट करने लगे? नहीं, वो काम करके आया, मतलब पिए तो बहुत ज्यादा। ये हमारी नंद बहन हमारी, ये मतलब कार गेट खोल कर देखने गए, गाली दे रहे थे बाहर से, तो ये देखने गए, इतने में वो अंदर आए, उन्होंने गेट बंद किया और जो लकड़ी का गट्टर नहीं होता है मोटा सा छोटे कटने, उससे से मारा दो तीन बार। बेटी थी आपकी? हाँ, हमारी बेटी थी। कितनी बड़ी थी बेटी? बेटी अभी मर जाते महीने चल रही थी, 5 महीने का होने वाली थी। खेल रही थी? हाँ, वो मतलब अंदर खटिया भी पड़ी थी और हम बाहर मतलब इनसे पूछने के लिए कब आ रही कहा नहीं। उसको पटक दिया? उसको तो बाद में मारा, पहले हमको 2-3 बार मारा, तो हम जैसे तैसे गेट खोल कर भाग गए। सीतापुर एसओजी एवं थाना कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम ने थाना खैराबाद में वांछित नामी अपराधी शाकिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 315 बोर तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्त शाकिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में करीब आधा दर्जन अभियोग गौकशी, गैंगस्टर एक्ट व चोरी के अभियोग पंजीकृत है। औरैया जनपद के गांव मूकपुरवा में 10 वर्षों से आधे गांव में बिजली न आने से बच्चे सहित महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। मोदी और योगी सरकार ने हर गांव में विद्युत देने की बात कही है, फिर भी यह गांव अभी भी विद्युत से वंचित है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लेखराज को तुरंत जांच के आदेश दिए। अवर अभियंता ने लाइनमैन के साथ साथ गांव का निरीक्षण। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरैया सानी में सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वर्गीय पंडित भगवती प्रसाद अवस्थी हाट बाजार का शुभारंभ किया। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि जिले की नंबर 1 हाट बाजार बनी। सांसद राजेश वर्मा ने ग्राम प्रधान की सराहना करते हुए कहा कि सीतापुर जिले की हर एक ग्राम पंचायत में ऐसे ही ग्राम प्रधान हाट बाजार का निर्माण करें। इस अवसर पर समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, आग लगने से मचा कोहराम, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, आसपास अफरा तफरी का माहौल। कार जलकर हुई खाक, गनीमत रही कि कार में कोई नहीं था सवार। खड़ी कार में अचानक लगी आग, आसपास लोगों ने आग पर पाया काबू। संभल के थाना हयात नगर के चामुंडा मंदिर के नजदीक का बताया जा रहा पूरा मामला। हमीरपुर में आगामी गणतंत्र दिवस के चलते मुस्तैद हुई पुलिस, पुलिस ने ड्रोन कैमरे से की निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी राठ पुलिस बल के साथ की पैदल गश्त, आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। फरुखाबाद में अनियंत्रित कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, 3 घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टर ने एक को किया मृत घोषित, 2 का इलाज जारी। फरुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र के पांचाल घाट की बताई जा रही घटना। थप्पड़बाज टीटीई को रेलवे ने किया सस्पेंड, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले पर लिया संज्ञान।